हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, आपको जॉब्स के रिलेटेड नई से नई अपडेट मिलती रहेगी और स्टडी मटेरियल भी हम अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 का जो नोटिस वो लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, मेल फीमेल्स की वैकेंसीज हैं, सैलरी क्या रहेगी और कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैं बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स, पोस्ट इसकी बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में है, सीआईएसएफ में है, असम राइफल्स में है और कुछ बाकी डिफेंस फोर्सेस में भी हैं। तो एक एक करके जान लेंगे। पूरी जानकारी के लिए फ्रेंड्स, आपको ऑफिशियल साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और पूरी डिटेल जान लें। या फिर फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगी। आप वो टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके मेरा चैनल ज्वाइन करें। पीडीएफ आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो आप डायरेक्ट मेरे चैनल से लिंक डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल्स जानकर आप अप्लाई कर लें। तो फ्रेंड्स, टोटल वैकेंसीज की बात कर लें तो 25,000 वैकेंसीज से ज़्यादा हैं। 25,271 वैकेंसीज हैं, 25,271 वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका वो 17 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट की बात करें तो 31 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। पे स्केल सबसे ज़रूरी फ्रेंड्स, तो पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल 21,700 से 69,100 तक रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करिए फ्रेंड्स, तो सीबीटी सबसे पहला फेज़ रहेगा आपका, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर पीईटी, पीएसटी यानी कि फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मेडिकल होगा और फिर आपका फाइनल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी जॉब पक्की। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स होंगे और आपको 90 मिनट्स मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लें तो फ्रेंड्स, हाइट मेल्स की 170 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल्स की 157। वेट आपका हाइट के हिसाब से होगा और मेल्स की चेस्ट 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर्स होगी। फीमेल्स में ये नहीं है। तो फ्रेंड्स, लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स की बात करें तो रेस इनकी 1 माइल होगी, 6 मिनट 30 सेकंड्स टाइम रहेगा। फीमेल्स की बात करें तो 800 मीटर रेस रहेगी और 4 मिनट दिए जाएंगे इनको। बाकी रीजन के कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 किलोमीटर मेल्स की 24 मिनट दिए जाएंगे और फीमेल्स की 106 किलोमीटर और यानी कि 1 किलोमीटर 600 मीटर और ड्यूरेशन इनका होगा 8 मिनट्स 30 सेकेंड। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसकी बात करें तो फ्रेंड्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस और सेम 25 मार्क्स। और इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी जिस मोड में एग्ज़ाम देंगे, जिस सब्जेक्ट के लिए देंगे, उसके भी 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। फ्रेंड्स, सिलेबस डिटेल में जानने के लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप वहाँ से डिटेल में सिलेबस जान सकते हैं।
ये जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस का है, यह आपका मैथमेटिक्स का रहेगा, और फ्रेंड्स ये इंग्लिश या फिर हिंदी का। फ्रेंड्स मैं टॉपिक वाइज वेटेज बता देती हूँ आपको, आप इस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस की बात करें पहले, तो करंट अफेयर्स आपको 8 से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। स्टैटिक की बात करें तो 13 से 15 क्वेश्चंस, और इंग्लिश या हिंदी की बात करें तो एरर स्पॉटिंग के 3 से 5, फिल इन द ब्लैंक्स के 5, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 3, क्लोज के 5, साइनोनिम एंटोनिम 5, फ्रेज एंड आइटम मीनिंग 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 से 4, स्पेलिंग्स 3 से 4, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4, और फिर 5। इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3, क्लासिफिकेशन के 1 से 2, सीरीज का 1 से 2, ऑर्डर रैंकिंग 2 से 3, डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस 1 से 2, क्लॉक एंड कैलेंडर 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट या फिर वर्ड टेस्ट 2 से 3, वेन डायग्राम 2 से 3, पजल 2 से 3, ब्लड रिलेशन 2 से 3, नॉन वर्बल रीजनिंग 1 से 2, सिलोगिज्म 2 से 3, वर्बल रीजनिंग 1 से 2 क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैथ्स की बात करें तो मिक्सचर प्रॉब्लम्स 1 से 2 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शंस 2 से 3, नंबर सिस्टम 1 से 2, सिंप्लीफिकेशन 3 से 4, अलजेब्रा 4 से 5, प्रॉफिट लॉस 4 से 5, परसेंटेज 1 से 2, एवरेज 1 से 2, टाइम वर्क 1 से 2, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस 1 से 2, मेंसुरेशन 1 से 2, सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3, डाटा इंटरप्रिटेशन 4 से 5। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी अपडेट करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो भी कमेंट करें, और मेरी वीडियो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।